तो भाई बहुत टाइम बाद मैं एक फुल वीडियो बना रहा हूँ, इसको हम शॉर्ट और सिंपल ही रखेंगे क्योंकि ज्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है जी। तो यूनिवर्सिटी जाके आपके पास टाइम बहुत ही ज्यादा कम या फिर कह सकता हूँ कि लिमिटेड ही होता है, तो आज टाइम मिला है हमें तो आज लगाते हैं हमारा बैक, बाइसेप्स और ट्रैप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। एज इट इज सबसे पहले हम करेंगे भाई हमारी बैक की स्ट्रेचिंग और उसके बाद हम शुरू करेंगे भाई बैक का वर्कआउट, और पहले थोड़े से पुलअप्स भी लगा लें स्ट्रेचिंग के बाद। तो सबसे पहले करेंगे यार हम बैक की स्ट्रेचिंग, कोबरा स्ट्रेच, चाइल्ड पोज और कैमल काओ पोज, और उसके बाद जो अपनी बर्ड डॉग है वो हम परफॉर्म कर देंगे। उसके बाद हम हमारे पुलअप्स लगा देंगे भाई, 4 सेट लगाएंगे 8 से 12 रेपिटेशन के, आपसे जितने हो सके आप उतने लगाइए। सो भाई वार्म अप करके मैं हो गया रेडी, और सबसे पहली एक्सरसाइज हम लगाएंगे सबसे बेसिक लैट्स पुल डाउन, और ये सबसे ही बेस्ट एक्सरसाइज कह सकते हैं जो आप फर्स्ट लगा सकते हैं क्योंकि आपकी सारी अपर बैक इसमें कवर हो जाती है, और इसके बाद आप कोई भी हैवी मूवमेंट कर सकते हो, टी बार, बैंड ओवर या फिर डेडलिफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे भाई हमारी लैट्स पुल डाउन से, 4 सेट लगा देने हैं 12-12 के, तो पहले 2 लाइट वेट और अगले 2 बिल्कुल ही हैवी लगा देने हैं। तो भाई सेकेंड एक्सरसाइज हम हमारे लगाएंगे बैंड ओवर रोइंग और लाइट वेट से शुरू करेंगे। ये बैक की थिकनेस बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज मैं कहूँगा क्योंकि इसमें पूरी बैक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है और एंड में स्ट्रेच होती है, तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज। तो बेंड ओवर भैया हम लगा देंगे, 3 सेट लगाने हैं हैवी, 8 से 12 रेपिटेशन देनी है, और वेट को आपने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से सेट करना है, और 8 से 12 रेपिटेशन आ जाएं, वेट हो हैवी। सो सेकंड एक्सरसाइज हम कर रहे हैं भाई प्रीचर पे, ठीक है, केबल कर्ल्स वो भी सिंगल आइसोलेट करके। सो प्रीचर पे 3 सेट लगा देंगे, लाइट वेट लगाना है भाई, बाइसेप्स पे ज़्यादा लोड नहीं डालना, 18 रेपिटेशन आ जाए तीनों सेट के अंदर, तो इतना लाइट वेट आपने लगाना है, कॉन्ट्रैक्शन पूरा फील होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, आप ये एक्सरसाइज एक बार करके देखना, मतलब बेसिक करना जरूर 2 से 3 हफ्ते उसके बाद। तो भाई हम हमारी अगली एक्सरसाइज करेंगे हैमर कर्ल्स डंबल से, और ये हमारी बाइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज होगी। बैक की हम 3 लगाएंगे, हाइपर एक्सटेंशन बिल्कुल एंड में लगाएंगे, बाइसेप्स की 2 और ट्रैप्स की 1 लगाएंगे, और टोटल 6 एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हैमर कर्ल्स हमने 3 सेट लगाने हैं भाई 12-12 रेपिटेशन के, और हैमर कर्ल्स में हमने वेट लेना है हैवी, और जिससे हमारे 12 रेपिटेशन आराम से निकल जाए और कॉन्ट्रैक्शन पूरा फील होना चाहिए। तो अगली एक्सरसाइज हम लगाएंगे भाई अपराइट रो या फेस पुल, ये दोनों में से आप कोई भी एक एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं अपने अपर ट्रैप्स के लिए, तो बहुत ही बढ़िया। लास्ट में हम हमारी हाइपर एक्सटेंशन भाई 10 किलो वेट लेके लगा देंगे, और इसके 4 सेट लगा देने हैं 12-12 रेपिटेशन के, इसी के साथ एक्सरसाइज होगी ख़त्म। सो फाइनली हमारा बैक, बाइसेप्स और ट्रैप्स का वर्कआउट होता है ख़त्म, और इसके बाद जब भी टाइम मिलेगा अगली वीडियो आएगी, और बाकी चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन लाइफ में कभी भी मतलब आपके अंदर आपको पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है, तो गलत जानबूझ के मत करना किसी के भी साथ, क्योंकि वो आपको कभी ना कभी तो पे बैक करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करता हूँ ख़त्म क्योंकि ज़्यादा बकचोदी करने की हमें आदत नहीं है जी। हाँ,